हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और हमारा दिन स्टार्ट हो चुका है। तो सुबह का जो मेरा किचन रहता है कुछ इस तरह से रहता है, मैं रात को ही सारा क्लीन करके सोती हूँ ताकि सुबह उठने के बाद किचन में बहुत ही फ्रेश फ्रेश फील हो। तो इस तरह से मैं सब क्लीन करके सोती हूँ और सुबह उठ के मैंने जो रात के कुछ बर्तन थे मैंने वॉश कर लिए हैं, झाड़ू मैंने कर लिया है और अब बारी आती है किचन में नाश्ता बनाने की। तो अब मैं नाश्ता बनाऊंगी, सुबह का जो मेरा नाश्ता है अब मैं बनाऊंगी यहाँ पे। यहाँ पे हमने कढ़ाई चढ़ा लिया है और यहाँ मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए स्नैक्स। सुबह का नाश्ता जो मैं ब्रेड का बना रही हूँ, स्नैक्स टाइप बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने घी डाला है, 2 चम्मच घी डालने के बाद इसमें थोड़ा सा अनियन डाल के मैं इसको रोस्ट कर रही हूँ। और अब मैंने डाल दिया है इसमें ब्रेड के स्लाइस, ब्रेड के टुकड़े, और इसको अच्छी तरह से रोस्ट कर लूँगी। और मैं इसको बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रही हूँ क्योंकि बच्चों को खिलाना है, तो बस मैंने इसमें ऐड किया है हल्का सा नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये जो अच्छी तरह से रोस्ट होने के बाद हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसमें थोड़ा सा टोमेटो केचप ऐड करके सर्व करेंगे। ऐसा करने से बच्चों को बहुत पसंद आता है और टोमेटो केचप तो ऐसे भी बच्चे बहुत ही प्यार से खाते हैं। तो ये इनका नाश्ता रेडी हो गया है। और अपने लिए हम बना रहे हैं ब्रेड ऑमलेट। तो ब्रेड ऑमलेट बनाने के लिए मैंने गैस पे तवा चढ़ा दिया है और उसमें थोड़ा सा तेल डाल चुकी हूँ मैं। और ये जो अंडे का घोल है ये हमारा रेडी हो चुका है। अंडे का घोल बनाने के लिए मैंने इसमें काटा है थोड़ा सा अनियन, 2 ग्रीन चिल्ली और धनिया के पत्ते, थोड़ा सा नमक डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और अब मैंने गर्म तवा पे इसको फैला रही हूँ और अब मैं इसमें से 2 ब्रेड के स्लाइसेस जो है इस पे साट के फिर से मैं इसको हटा लूँगी। और जब हम इसको पलटेंगे वहाँ पे इस ब्रेड के स्लाइसेस को पीछे से हम इसको यहाँ पे चिपकाएंगे। ऐसा करने से ब्रेड के जो स्लाइसेस हैं ये ऑमलेट से सेपरेट नहीं होता है, उसमें चिपका रहता है। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम इधर अच्छी तरह से पका लेंगे, फिर इसको हम टर्न करेंगे। मैंने इसको टर्न कर दिया है और अब जो है ब्रेड के दोनों स्लाइसेस को हम इसके ऊपर साट देंगे। साटने के बाद दोनों साइड आर पार हम इसको अच्छी तरह से सेक लेंगे और बाकी के ब्रेड ऑमलेट को भी हम इसी तरह से पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो मेरा आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और साइड में मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा दिया है, चाय उबल रहा है। इसको इसको हम पलट देंगे। अब जैसे कि मैंने बताया आर पार दोनों तरह से हम इसी तरह से इसको सेक लेंगे और हम इसको लो मीडियम फ्लेम पे ही रखेंगे। अगर हम हाई फ्लेम पे रखेंगे तो ऑमलेट जल जल जाएगा और ब्रेड भी जी जो है वो ज़्यादा जल जाएगा, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हम इसे लो मीडियम फ्लेम पे ही रखें। और इस तरह से उलट पलट के हम आर पार दोनों तरफ अच्छी तरह से सेक लेंगे। तो ये हमारा ब्रेड ऑमलेट तैयार हो गया है। और मैं यहाँ पे चाय छान रही हूँ। तो हमारा नाश्ता तैयार हो गया है और मेरा बेटा 2 साल का है तो वो ये नहीं खाता है, तो उसके लिए मैं बना रही हूँ खिचड़ी। तो खिचड़ी बनाने के लिए गैस पे मैंने कुकर चढ़ा दिया है और इसमें मैं थोड़ा सा वेजिटेबल्स ऐड करूँगी। मैंने ग्रीन अनियन ऐड किया अभी अभी और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा पोटैटो और कॉलीफ्लावर। खिचड़ी मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाती हूँ क्योंकि बच्चे को खाना है। तो अनियन जो है थोड़ी सा भुन चुका है, भुनने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगी हमारा वेजिटेबल्स जो मैंने पहले से चॉप करके रखे थे। थोड़ा थोड़ा ऐड करके इसको हमें चलाते रहना है। और मैंने इसके साथ साथ इसमें दाल और चावल भी ऐड कर दिए हैं और मैंने इस पे पानी डाल दिया है। और अब मैं इसको बंद करके 4 से 5 विशल आने तक इसको प्रेशर कुक करूँगी। तो ये मैंने बैठा दिया है कुकर गैस पे, इसका ढक्कन बंद हो करके, और इस तरह से बच्चे का खिचड़ी जो है रेडी हो गया है।